आज भी बहुत बड़े बड़े पत्रकार लिख रहे हैं कि एक तरफ आम आदमी पार्टी का ये कैंडिडेट हार गया और दूसरी तरफ फलाना फलाना जीत गया, कंपेयर किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने देश के सबसे बेहतरीन कैंडिडेट खड़े किए, आम आदमी पार्टी सबसे बेहतरीन चुनाव लड़ी, आप लोग सबसे बेहतरीन चुनाव लड़े, रात दिन 24 घंटे आपने दिन देखा नहीं रात देखी, अपना परिवार भूल के। पिछले कुछ महीनों में मैं कई वॉलंटियर्स को जानता हूं, कार्यकर्ताओं को जानता हूं, जिन्होंने नौकरी से छुट्टी लेके पिछले कुछ महीनों से रात दिन मेहनत करके शानदार चुनाव लड़ा। लड़ा कि नहीं लड़ा? मैं सलाम करता हूं आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को जिन्होंने अपना तन मन धन पूरा इस चुनाव के अंदर लगाया। हमने सबसे अच्छे कैंडिडेट खड़े किए, हम सबसे अच्छा चुनाव लड़े, जो नतीजे आए वो हमारी आशा के अनुरूप नहीं आए। उसे समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। आपके खिलाफ पूरी दिल्ली के अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं थी, गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? जहां जा रहे थे आप, आपके कामों की जनता तारीफ कर रही थी, आपके लिए दिल्ली की जनता के मन में बेहद इज्जत है, बेहद प्यार और मोहब्बत करती है दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी से, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से। फिर ऐसा क्यों हुआ? उसका एक कारण पूरे देश के अंदर एक इन चुनाव में अलग किस्म का माहौल था पूरे देश के अंदर, और दिल्ली उससे अछूती नहीं थी। दिल्ली के अंदर भी उसी किस्म की आंधी बह रही थी जो पूरे देश के अंदर बह रही थी। और दूसरा कारण, आप लोग भी जब कई जगह जा रहे थे और मेरे को भी सुनने को मिलता था, कई लोग कहते थे कि जी ये तो बड़ा चुनाव है, ये तो राहुल जी और मोदी जी का चुनाव है, ये तो केजरीवाल जी का चुनाव नहीं है, केजरीवाल जी का चुनाव आएगा तो सारी कसर पूरी करेंगे, ये तो राहुल जी का। और कहते थे कि नहीं कहते थे? जरा हाथ खड़े करके बता दो अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। पूरी दिल्ली के अंदर ये सुनने को मिल रहा था कि ये जो तो बड़ा चुनाव है, छोटा चुनाव आने दो, आपका चुनाव आने दो, आपके काम के नाम पे वोट देंगे। जो भी कारण रहे, हम दिल्ली की जनता को ये नहीं समझा पाए कि इस बड़े चुनाव को हमें क्यों वोट दो, गलत तो नहीं कह रहा जी? तो दिल्ली की जनता ने इस बड़े चुनाव में जो भी, किसी ने राहुल जी के नाम पे वोट दिया, किसी ने मोदी जी के नाम पे वोट दिया, लेकिन आज दिल्ली की जनता कह रही है कि एक बार छोटा चुनाव आने दो, आपके काम के ऊपर सारी कसर पूरी करेंगे, जितनी कसर इस चुनाव में रह गई सारी कसर हम पूरी करेंगे। इस चुनाव में दिल्ली की जनता ने आपके काम पे वोट नहीं दिया, दिल्ली की जनता ने इस पे वोट दिया कि ये बड़ा चुनाव है, उन लोगों का चुनाव है, आम आदमी पार्टी का चुनाव नहीं है। तो मैं केवल ये कहना चाहता हूं कुछ कार्यकर्ताओं को, मैं पिछले कुछ दिनों से जब मिल रहा हूं तो वो थोड़े मायूस नजर आ रहे हैं। मैं उन्हें कहना चाहता हूं, मायूस होने की क्या बात है, जब पूरी दिल्ली की जनता आपकी तारीफ कर रही है, पूरे देश की जनता आपके कैंडिडेट्स की तारीफ कर रही है, पूरे दुनिया की जनता आपके कामों की तारीफ कर रही है, आपको तो कॉलर ऊंची करके सर ऊंचा करके घूमने की जरूरत है। आपने अपना काम किया, दिल्ली की जनता ने सोचा ये उनका ऊपर वालों का चुनाव है, अब दिल्ली की जनता के पास जाके बोलना कि जी बड़ा चुनाव खत्म हो गया, अब छोटा चुनाव आ गया, अब छोटे चुनाव के अंदर काम के ऊपर वोट पड़ना चाहिए, नाम के ऊपर वोट नहीं पड़ना चाहिए। एक तरफ पार्टी है, एक तरफ सरकार है। आज से 6.5 साल पहले अपनी पार्टी बनी थी, पूरे 6.5 साल, 26 मई या 26 नवंबर 2012 को अपनी पार्टी बनी थी, पूरे 6.5 साल पहले बनी थी। आज मुझे ये कहते हुए बेहद फक्र है
और मुझे लगता है हर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को यह फक्र होना चाहिए कि जिन असूलों के ऊपर ये पार्टी बनी थी, आज 4.5 साल सत्ता में रहने के बाद भी उस असूलों से हम डिगे नहीं है बिल्कुल भी। ये पार्टी बनी थी ईमानदारी के लिए, ये पार्टी बनी थी भ्रष्टाचार के खिलाफ। भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश में सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन से यह पार्टी निकली थी, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना लेके। दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए हमने पार्टी बनाई थी। आज दोस्तों 6.5 साल के बाद आपके अपने मुख्यमंत्री के ऊपर सीबीआई की रेड हो चुकी, पुलिस की रेड हो चुकी, हमारी सारी फाइलों की चेकिंग हो चुकी, एक नए पैसे का भ्रष्टाचार नहीं मिला इन लोगों को आपके मुख्यमंत्री। आपके शिक्षा मंत्री के ऊपर सीबीआई की रेड हो चुकी, पुलिस की रेड हो चुकी, इनकी सारी फाइलें चेकिंग हो चुकी, आपको फक्र होना चाहिए एक नए पैसे का भ्रष्टाचार नहीं मिला मनीष सिसोदिया के खिलाफ। आपके सतिंदर जैन के खिलाफ, इनके परिवार के खिलाफ, कैलाश गहलोत के खिलाफ, हमारे मंत्रियों के खिलाफ, 20 MLA के खिलाफ सारी चेकिंग हो चुकी, सारी टेस्ट हो चुके, सारी एजेंसीज ने, इनकम टैक्स ने, ईडी ने सब कुछ कर लिया, एक नए पैसे का भ्रष्टाचार नहीं मिला। दोस्तों ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। पूरी दुनिया के अंदर आज तक इतनी ईमानदार पार्टी आपको देखने को नहीं मिली होगी। मैं तो चैलेंज करता हूं ये 2-4 एजेंसी हमको दे दो और फिर हम दिखाते हैं तुमको 4 दिन के अंदर तुम्हारा। तुमने हमारी सारी चेकिंग करा ली, एक नए पैसे का भ्रष्टाचार नहीं मिला। दोस्तों आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए बेहद गर्व की बात है, आप सब लोगों के लिए बेहद गर्व की बात है कि आम आदमी पार्टी का एक एक सिपाही, एक एक नेता आज उतना ईमानदार है जितना ईमानदार वो 26 नवंबर 2012 को था जब हमारे पास सत्ता नहीं थी। हमारी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ निकल के आई थी, हम भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली का सपना दिया था। आज हमें बेहद गर्व है, आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को बेहद गर्व है कि दिल्ली के अंदर वो भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली का सपना पूरा किया। डोर स्टेप डिलीवरी लागू करी जिसके तहत अब लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, दफ्तरों में दलालों को पैसे नहीं देने पड़ते, बल्कि उनके घर आके सरकार काम करके जाती है। दोस्तों दूसरी तरफ दिल्ली सरकार है, आज दिल्ली सरकार जितने काम कर रही है, एक एक दिल्ली सरकार का काम राष्ट्र निर्माण का काम है, एक एक दिल्ली सरकार का काम व्यक्ति निर्माण का काम है। आज हमारे दिल्ली के स्कूलों में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, ये सारे बच्चे दोस्तों ये भविष्य बना रहे हैं हम लोग इस देश का। आज जो मनीष सिसोदिया जी, अतीशी जी, ये जितना काम कर रहे हैं, ये देश का भविष्य बना रहे हैं, एक एक बच्चा बड़ा होके। आप खुद सोचो अगर ये सरकारी स्कूलों की हालत अगर ऐसी होती जैसे पहले थी, इन सारे बच्चों का भविष्य खराब हो गया होता। ये देश का भविष्य आज आम आदमी पार्टी राष्ट्र का निर्माण कर रही है दोस्तों। लेकिन मनीष सिसोदिया जी ये कुछ नहीं कर सकते थे अगर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का साथ नहीं मिलता दोस्तों। आज दिल्ली के स्कूल जो अच्छे हो रहे हैं वो मनीष सिसोदिया जी के बदौलत अकेले नहीं हो रहे, वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनके साथ हजारों आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रात दिन मेहनत कर रहे हैं मनीष सिसोदिया जी के साथ, इसलिए दिल्ली सरकार के स्कूल अच्छे हो रहे हैं दोस्तों। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बेहद सौभाग्यशाली हैं कि राष्ट्र निर्माण के इस काम में, देशभक्ति के इस काम में, पुण्य के इस काम में हम लोगों को मौका मिल रहा है भागीदार बनने का दोस्तों। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब आप लोगों को अपमान बर्दाश्त करना पड़ता है, कोई आपको अपमानित कर देता है लेकिन आप खून का घूंट पी के रह जाते हो। मुझे गर्व है मेरे एक एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर। अन्ना जी ने मैसेज दिया था, अन्ना जी संदेश देते थे कि जब आप राजनीति में आते हो या सार्वजनिक जीवन में आते हो, आपके अंदर अपमान पीने की शक्ति होनी चाहिए। मैं उनसे पूछता था इसका क्या मतलब है, तो वो कहते थे कि जब आप
सार्वजनिक जीवन में आते हो, अगर कोई आपका दोस्त, आपका साथी, आपका कुलीग, आपका पार्टी का व्यक्ति, आपका घर का व्यक्ति आपका अपमान कर दे, निजी अपमान कर दे, आपको गाली दे दे, आपकी निंदा कर दे, आपको वो खून का घूंट पी लेना चाहिए, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई आपके देश का अपमान करता है, अगर आपके समाज का अपमान करता है, तो आपको अपनी जान की बाजी लगा के अपने देश के अपमान की बदला लेना चाहिए। आज मुझे बेहद खुशी है कि आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से रात दिन 24 घंटे दिल्ली की जनता की सेवा में लगा हुआ है, अपमान पीकर भी दिल्ली की जनता की सेवा में लगा हुआ है। दोस्तों, आज सतिंदर जैन जी जितने दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं, जितने दिल्ली के अस्पतालों में काम चल रहा है, ये सतिंदर जैन नहीं कर सकता था अगर दिल्ली हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं, उन हजारों कार्यकर्ताओं का साथ नहीं मिलता जो रात दिन अस्पतालों के अंदर जाके मरीजों की सेवा कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं आप, देशभक्ति का काम कर रहे हैं आप। आम आदमी पार्टी के लिए काम करने का मतलब है देशभक्ति के लिए काम करना, देश के लिए काम करना, पुण्य का काम करना। दोस्तों, और आप ही हमारी सबसे बड़ी धरोहर हैं। जिन लोगों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनके माँ बाप का आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। जिन गरीब मरीजों का इलाज सरकारी अस्पतालों के अंदर हो रहा है, उन लोगों की दुआएं हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। दोस्तों, और इस इतनी बड़ी पूंजी के सामने बड़ी से बड़ी ताकतें नहीं टिक सकती। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर आज से 5 साल पहले दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को चुनने की बजाय भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस को चुना होता, क्या दिल्ली के स्कूल ठीक हो जाते हैं? अगर आज से 5 साल पहले आम आदमी पार्टी को चुनने की बजाय दिल्ली की जनता ने बीजेपी या कांग्रेस को चुना होता, क्या दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनते, अस्पताल ठीक हो जाते, क्या डोर स्टेप डिलीवरी लागू होती, क्या भ्रष्टाचार खत्म हो जाता, क्या दिल्ली में बिजली सस्ती होती, क्या दिल्ली में बिजली 24 घंटे होती, क्या गलियां कच्ची कॉलोनियों में सड़कें नालियां बनती? नहीं बनती। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर फरवरी 2020 के अंदर दिल्ली के लोगों ने खुदा ना खास्ता बीजेपी या कांग्रेस को चुन लिया, तो क्या दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की वैसी बुरी हालत नहीं हो जाएगी? क्या दिल्ली के सरकारी स्कूलों की वैसी बुरी हालत नहीं हो जाएगी? क्या बिजली के दाम दुगने नहीं हो जाएंगे? क्या दिल्ली के अंदर सड़कों का वही हाल नहीं हो जाएगा? दिल्ली की जनता ये समझती है, इसीलिए दिल्ली की जनता कह रही है कि 2020 में तो आम आदमी पार्टी को ही जिताएंगे, इस चुनाव में जिसको वोट दिया दिया, लेकिन 2020 के अंदर सारी कसर पूरी करेंगे। पिछली बार अपने को 54% वोट मिला था, मेरा दिल कहता है दिल्ली की जनता इस बार वो 54% के रिकॉर्ड को तोड़ेगी। दोस्तों, शर्त केवल ये, अपनी ये मायूसी खत्म करो, सब लोग एक स्माइल करके दिखाओ। सारी दिल्ली की जनता आपसे मोहब्बत करती है, सारी दिल्ली की जनता अपनी दोनों बाहें खोल के आपको गले लगाना चाहती है। घर घर जाइए, जनता को गले लगाइए और 2020 की तैयारी कीजिए। दोस्तों, भारत माता की।